हाई एवरी वन सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस कोडिंग इंटरव्यू सीरीज सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है के एस स्मॉलेस्ट एलिमेंट सो गिवन एन एरे एंड एन इंटीजर के केवियर के के इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एरे द टास्क इज टू फाइंड द के एस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन एरे इट इज गिवन दैट ओल एरे एलिमेंट आर डिस्टिंक तो सिंपल सा क्वेश्चन है क्या है कि हमें एक एरे दे रहे थे एक एरे गिवन है और एक हमें के गिवन है तो हमें के एच स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है तो के एच थ्री ठीक है सो so, हमें इसमें थर्ड स्मोलेस्ट क्या है फर्स्ट है थ्री सेकंड स्मॉलेस्ट है फोर और थर्ड स्मॉलेस्ट क्या है सेवन सो so, बस हमें ये रिटर्न करना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक so, है सो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा कि एक अगर अगर हम इसको देखें डायरेक्ट तो क्या समझ आ रहा है एक सोल्यूशन तो यही आ रहा है कि हम क्या करें सिंपल सॉर्ट कर दे राइट right? अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर देंगे और फिर उसको शुरू से लेकर के तक ट्रैवर्स करेंगे तो बस वो के वाला मतलब सीधे एरे को सॉर्ट कर दो और एरे ऑफ के रिटर्न कर दो सिंपल सा आंसर है ठीक है सॉर्ट एंड देन रिटर्न एरे ऑफ के सिंपल है फर्स्ट सोल्यूशन तो बट क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ कितनी होती है के एन लॉग एन राइट बिग ऑफ एन लोग, न, एन लोग प्लस के तो ठीक है बिग ऑफ एन लॉग एन आ गई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सो तो, या बट इंटरव्यूअर माइट एक्सपेक्ट कि तुम कोई अलग ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है सबके दिमाग में यही है तो दूसरा सोल्यूशन हम इसका क्या कर सकते हैं तो so इसका एक एक और मैथड भी है सो so इसका मैथड टू क्या है uh, अगर जब भी हमें के एच स्मॉलेस्ट के एच लार्जेस्ट एलिमेंट ऐसा कुछ फाइंड करना है तो हमारे दिमाग में हमेशा प्रायरटिक्यू हीप हिप आना चाहिए ठीक है तो हीप क्या होता है हिप मेन हिप और मैक्सिप मैक्सिप होती है राइट सो क्या होता है अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं हम मैक्सिप क्रिएट कर सकते हैं ठीक है थीके? और उसमें इंसर्ट कर इंसर्ट करते जा सकते हैं और अगर लार्जेस्ट फाइल लार्जेस्ट फाइंड करना है तो मेन हीप क्रिएट कर सकते हैं तो एक बार इसको देखते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉलेस्ट का मैक्स हीप से ही हो स्मॉलेस्ट को मेन हीप से भी कर सकते हैं और लार्जेस्ट को मैक्स हिप से भी कर सकते हैं सो एक बार बस देखते हैं कि इसको Uh, ये कैसे होगा तो so, क्या होगा अगर हम इसकी मीन हिप क्रिएट कर लें लेट से मीन हिप क्रिएट कर लें तो मीन हिप में क्या होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट टॉप पे होता है और बाकी सारे मतलब हमेशा रूट पेरेंट रोड पे हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा और हम हीफाई अगर मूव करेंगे हिपीफाई करते जाएंगे तो हमेशा टॉप पे स्मॉलेस्ट रहेगा राइट तो so, इसका क्या बनेगा लाइट से कि ये हमारी अगर हमने इसको हेपीफाई करा तो ऐसा बनेगा थ्री फोर सेवन टेन फिफ्टीन और ट्वेंटी राइट तो अब हम क्या करेंगे शुरू से लेकर के माइनस वन मतलब के तक ट्रैवर्स करेंगे और ये वाला बस रिटर्न कर देंगे अपनी हीप में से ठीक है सिंपल सा कोई सिंपल सा सॉल्यूशन है तो बस इसको कोड करते हैं एक बार ठीक है एंड फिर डिस्कस करते हैं कि और भी हम क्या कर सकते हैं इसमें तो आ, क्या है कि आ, मैंने ये ही पी फाई करके एक लाइव मॉड्यूल होता है वैसे में पहले से ही तो इन फंक्शन है तो बस इसको इंपोर्ट करवा लिया और यहाँ पे सिंपल कर दिया ही पी फाई ऑफ एरे तो इससे एरे हमारा ही पी फाई हो गया ठीक है और अब हम क्या करेंगे फोर आई इन रेंज ऑफ तो ही पी फाई तो हो ही रखा है तो कहाँ तक के माइनस वन तक ठीक है फोर आई इन रेंज ऑफ के माइनस वन और हीप ऑप हीप ऑफ एरे ठीक है मतलब एरे में से वो वाला एलिमेंट सबसे टॉप वाला एलिमेंट पॉप कर दो जब तक क्योंकि सबसे ऊपर पहले सबसे स्मॉलेस्ट होगा ठीक है सबसे ऊपर थ्री होगा तो हम क्या कर रहे हैं हम थ्री को पॉप कर रहे हैं तो क्या होगा कि पहली बारी में हमारा थ्री पॉप हो गया अब हमारे टॉप पे क्या आ गया फोर आ गया आ, ये तो मैंने अभी मतलब ऐसे लिख दिया है पर हीप का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा बस इतना होगा कि थ्री टॉप पे है बाकी लेफ्ट राइट में कोई भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि इधर फोर हो सेवन मतलब कुछ भी हो सकता है पर यह कि हमेशा शुरू वाला मतलब अगर इसको एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमेशा जो शुरू वाला एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट होगा वो मतलब वो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो हमने रूट निकाल दिया तो रूट अगर हटा देंगे तो अभी इस पूरे पर हीपी फाइव अग्जा लगाएगा फिर से इसको ठीक है इस पर हीपी फाई लगाएगा और अब स्मॉलेस्ट टॉप पर आ जाएगा तो अब फोर रूट बन जाएगा ठीक है तो ऐसे करके होगा तो अभी क्या करें हमने हिप पॉप एरे कर दिया तो अब कब तक करें के माइनस वन तो पहली बार में क्या होगा के अगर थ्री तो सबसे पहले क्या होगा अगर के हमारा थ्री है तो सबसे पहले थ्री हो गया आ, सबसे पहले थ्री बाहर हो गया और के की वैल्यू अब पहले ज़ीरो थी अब वन हो गई ठीक है फिर के यहाँ पे आया तो अब ये वाला भी बाहर हो गया आ, के माइनस वन तक चलना है हमें ठीक है तो के माइनस वन की तरह टू तो ज़ीरो हो गया वन हो गया अब टू हो गया ठीक है तो अब अब बस यहीं तक वो चलेगा ठीक है तो फोर uh, लूप ऐसे काम करता है ना कि जीरो uh, अगर यहाँ तक चल रहा है फोर आई रेंज ऑफ के माइनस वन तो वो कहाँ तक चलेगा जीरो कोमा वन तक चलेगा के माइनस वन की वैल्यू है टू तो फोर आईन रेंज ऑफ जे रेंज ऑफ के माइनस वन का मतलब ये है कि आई की वैल्यू लेस देन टू होनी चाहिए ठीक है तो बोला जीरो और वन मतलब पहले दो एलिमेंट को सीधी सी बात है कि बाहर निकाल दो थ्री और फोर को निकाल दिया तो लास्ट में क्या बचा तो हम क्या कर सकते हैं सीधा ही रिटर्न कर सकते हैं ही पॉप टॉप एलिमेंट ऑफ हीप ही ठीक है मैं सिंपल से मतलब अभी जो लास्ट बचा है उसको रिटर्न कर दो सबसे ऊपर अभी जो भी है टॉप तो पे उसको रिटर्न कर दो तो अभी इसको रन कर दे सोल्यूशन को तो एक्सपेक्टेड ये है और यही हमारा आंसर एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेता है ठीक है तो ये देख रहे हो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली सारे टेस्ट केस पास हो गए ठीक है सो तो अभी हम क्या कर सकते हैं Uh, इसकी वो देखते हैं एक बार तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सबसे पहले हीपीफाई करने के लिए कितने लगते हैं बिग ऑफ एंड ठीक है एन, फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम के टाइम ट्रेवर्स कर रहे हैं के टाइम ट्रैवल्स कर रहे हैं और के टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं और पूरे एरिया का जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको क्या कर रहे हैं हीपीफाई कर रहे हैं ठीक है तो मतलब हम जैसे एलिमेंट को पॉप ऑप करते तो फिर से हिपाई करेगा तो के लोग एन ये हो गए मैं कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते के लोग एन है ठीक है तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम मतलब ये कंसीडर करें तो बिग ऑफ एन हो जाएगी और मतलब इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं तो बिग ऑफ वन ठीक है सो तो ये भी हो सकता है सो तो ये हो गया एक एक सॉल्यूशन तो ठीक है और मतलब ये हिप हीप, हीप सही सोल्यूशन होगा सो तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया कि हमने बस सिंपल क्या कर दिया पहले ही, ही पीफाई हीप, कर दिया पूरा एरिया को और फिर बस के महीने के तक ट्रेवल्स कर रहे हो और रिटर्न कर रहे और एक और सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं हम एक मतलब अपना हीप क्रिएट करते हैं पर हीप का साइज़ हमेशा के के ही रखते हैं क्या करेंगे जैसे हम क्या करेंगे पूरे एरे पे ट्रेवल्स करेंगे आ, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता रखा ताकि साफ दिखे तो हम क्या करेंगे कि पूरे एरे परिवर्स ट्रेवर्स करेंगे और हीप में सिर्फ के एलिमेंट तक ही रखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले थ्री आया तो थ्री इंसर्ट हो गया फिर क्या आया फोर आ गया फोर इंसर्ट <इन्स> हो गया मतलब अभी भी हमारे हीप का साइज़ लेस देन के है ठीक है अभी सेवन आया सेवन भी इंसर्ट हो गया ठीक है सेवन इंसर्ट हो गया और हम ये क्या रखेंगे अपनी मैक्स हीप क्रिएट करके रखेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो मैक्स हीप क्रिएट करके रखेंगे और तो क्या होगा कि अभी सेवन आ गया फिर फोर आ गया फिर थ्री आ गया ठीक है तो अभी क्या अभी आएगा अभी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा टेन तो टेन आएगा तो नेक्स्ट एलिमेंट टेन आएगा तो टेन आएगा तो हमारा हिप का साइज उससे बड़ा हो गया ठीक है तो हम क्या करेंगे हम हिप पॉप कर देंगे तो अगर हम अभी हिप से पॉप करेंगे तो क्या होगा कौन सा एलिमेंट पॉप होगा अभी हम मैक्स हिप क्रिएट कर रहे हैं ठीक है तो ये टेन ही पॉप हो गया अभी भी ये थ्री रहेंगे ठीक है अभी फिर फिफ्टीन आया फिर फिफ्टीन फिर से हमारा साइज़ ग्रेटर uh, हो गया थ्री से और मैक्स ही पे तो मैक्स पॉप करेंगे तो हमेशा टॉप एलिमेंट ही पोप होगा तो फिफ्टीन फिर से पॉप हो जाएगा यही रहेगा फिर हमारा ट्वेंटी आया तो अभी ट्वेंटी इंसर्ट होगा और साइज़ ग्रेटर देन के हो गया तो फिर से हम पॉप कर देंगे और यही रहेगा और फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे जो भी टॉप पे बचा है uh, अभी मतलब ये सोटी डायर था तो एक बार इसको इस इस वाले वैल से करते तो अच्छे से समझ आएगा कि कैसे वो कर रहा है तो सबसे पहले क्या आ रहा है सबसे पहले इसने सेवन डाला ठीक है फिर क्या डालेगा टेन आया फिर क्या आया फोर आया और अभी हमारी हिप कैसे होगी टेन हमारा टॉप तो, टॉप तो पे होगा ठीक है और उसके उसके बाद सेवन और फोर होंगे क्योंकि हम कर रहे हैं उसके बाद आएगा थ्री तो थ्री आएगा ठीक है तो साइज ग्रेटर देन के हो गया ठीक है तो अभी टॉप एलिमेंट तो अभी रूट कौन सा टेन है तो टेन अभी बाहर हो जाएगा ठीक है ये तीन बचे फिर थ्री के बाद अभी आएगा ट्वेंटी सो तो ट्वेंटी आएगा और ट्वेंट साइज़ ग्रेटर देन के हो गया तो ट्वेंटी बाहर हो जाएगा फिर फिफ्टीन आएगा साइज ग्रेटर देन के हो गया तो फिफ्टीन बाहर हो जाएगा और बच क्या रहा है और uh, uh, अभी रूट क्या है फिर ये तीन एलिमेंट बच रहे हैं इनमें रूट पेरेंट नोट कौन सी है मतलब रूट नोट कौन सी है सेवन है तो हम सेवन रिटर्न कर देंगे ठीक है तो इससे हमारी कंप्लेक्सिटी क्या हो गई हम अपनी हीप का साइज़ क्या रख रहे हैं के तो uh, हम काइंड ऑफ कैसे कैसे चल रहे हैं हम इस, इसमें इसका कोड हम कैसे कर रहे हैं हम ऐसे कर रहे हैं कि फोर आई इन रेंज ऑफ मतलब हम पूरे एरे के ऊपर तो जा रहे हैं पर हम जब हीप में पुश कर रहे हैं हीप पुश मतलब मैं सोडोको टाइप लिख रहा हूँ ठीक है तो हम हीप में पुश कर रहे हैं हीप पुश एरे ऑफ आई हम ये कर रहे हैं ठीक है थीके? हीप पुश एरे ऑफ आई हम कर रहे हैं पर एक कंडीशन और है एक कंडीशन और क्या है कि हम इसके नेक्स्ट में ये चेक करें कि इफ आ, अभी मतलब ये लिख सकते हैं लेंथ ऑफ हीप लेंथ ऑफ एरे और मतलब हमने जो हीप क्रिएट करी है एच uh, नाम से जैसे कि हमने यहाँ पे एच से एक हीप क्रिएट कर ली ठीक है काइंड ऑफ सूडो कोड है ठीक है तो हम लेंथ चेक इफ लेंथ दिस इफ आवर लेंथ इज ग्रेटर देन के तो हम क्या करेंगे हीप पोप मतलब टॉप एलिमेंट को पॉप कर दो तो हमेशा हमारा हीप का साइज के ही रहेगा और हीप हिप पॉप होगा तो हीप पॉप होने के बाद फिर से हिप होगा तो क्या होगा कि ये फोर लूप जो हमारा है जो फोर लूप है वो तो एन टाइम चल रहा है पर हीपीफाई कितने पे हो रहा है सिर्फ के के एलिमेंट्स पे हीपीफाई हो रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिग ऑफ एन लॉग के और हमारा स्पेस uh, कॉम्प्लेक्सिटी भी अब हमारी रिड्यूस हो जाएगी पहले हम सारे एलिमेंट डाल रहे थे अभी हम कितने डाल रहे हैं सिर्फ लोग ऑफ के सो so, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं खुद मतलब एक uh, अभी मैंने क्या करा है यहाँ पे कि पूरे एरे का हिप क्रिएट कर दिया तो अभी हम हिप हिप क्यू क्लास को इम्पोर्ट करके और उसका एक ऑब्जेक्ट बना के बस uh, उसमें इंसर्ट करते जा, जा इंसर्ट कर कर सकते हैं और बस सिंपली मतलब उसका इतना साइज़ रखना है ठीक है सो बस ये सिंपल सा सोल्यूशन uh, था हिप से और इसका ना एक थर्ड मेथड भी है तो इसका थर्ड मेथड क्या है Uh, एक थर्ड मेथड थर्ड बेस का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उसकी अलग से वीडियो बना लेंगे और यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ की मतलब देखना किसको कैसे कर सकते हो क्विक सेलेक्ट करके क्विक सेलेक्ट ये सर्च करना मिल जाएगा और uh, अगर इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में यू कैन आज तो उसकी वीडियो भी बना लेंगे सो so, yeah. तो या यही था सिंपल था सोल्यूशन सो या इंजॉय कोडिंग एंड बाय बाय